आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव बनता ही नहीं है। फिल्में भी इधर उधर से कॉपी करके बनाते, इसलिए लोगों ने बॉलीवुड फिल्में देखना ही छोड़ दिया है। सारे थिएटर्स खाली पड़ने लगे हैं, सारे एक्टर्स नौकरी ढूंढने के लिए भागम भाग कर रहे हैं। तो उन्हें खबर मिलती है कि एक कंपनी है कामोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। तो सारे एक्टर वहां पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले पहुंचते हैं अपने शक्ति कपूर। आओ, कंपनी तो बराबर है और एड्रेस भी बराबर है, और यहां पर तो मैं अकेला ही हूं, इसका मतलब मेरी नौकरी पक्की। डाके टक्के डाके टक्के। तो इसके बाद अपने मराठी के एक्टर नीलू फुले उनके पीए के साथ पहुंचते हैं। मास्टर, वो मास्टर बगत तो बोर्ड बराबर है का? पाटील बोर्ड तर बरोबर आहे आणि कंपनी पण बरोबर आहे, पण मला नाही वाटत आपलं काम होईल म्हणून। माझ्या आपलं काम नाही झालं तर नावचं पाटील नाही सांगणार। चला। तो इस तरह से एक एक एक्टर इंटरव्यू के लिए आते, कंपनी ढूंढ ढूंढ के पहुंचते हैं। तो शत्रुघ्न साहब सबका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले बुलाते हैं शक्ति कपूर को। शक्ति कपूर अंदर जाते हैं इंटरव्यू के लिए। आओ, मैं अंदर आओ। प्लीज सेट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम है शक्ति चंदा, मैं खाता हूँ जैसे अंडा और जानता हूँ मार्केटिंग का सारा फंडा। अबे ओ ओंगे पोंगे, ये क्या है? ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, तो एक बात बताओ कि हम तुम्हें नौकरी क्यों दें? क्योंकि मैं सबसे पहले आया हूं इसलिए। हाँ, अच्छा, तो तुमने अभी बताया कि तुम मार्केटिंग के सारे फंडे जानते हो, बताओ कि क्या है वो? मैं इतना ऑर्डर लाऊंगा कि आप खुद बोलोगे अब बस करो, अभी ऑर्डर मत लाना, हमसे नहीं होगा। अबे ओ ओंगे पोंगे, हम ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैं ऐसे रेट में लाऊंगा कि आप खुद बोलोगे अरे बस करो, हमसे नहीं होगा। अच्छा, तो हम भी तुम्हें ऐसे डिपार्टमेंट में डालोगे कि तुम खुद बोलोगे कि मेरे नौकरी नहीं होगी। समझे? चलो नेक्स्ट।